जब दिल्ली में दिया जाएगा तो आपको दिखेंगे, शिव प्रसाद गद्दारों को जरूर मिलेगा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में सामना कार्यालय के बाहर बागी विधायकों के विरोध में बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली के जरिए उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने बागियों के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर किया। हजारों की संख्या में शिव सैनिक बाइकों पर शिवसेना के झंडे लेकर निकले और बागियों के खिलाफ नारेबाजी कर बाइक रैली निकाली। इस वक्त जो है वो देख रहे हैं जहां पर रैली किस तरीके से पहुंच चुकी है सेना भवन में। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां से जो है वो निकले हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए पूरा जो जोश है वो साफ तौर पर हाई यहां पर नजर आ रहा है और सेना भवन से इस वक्त जो आगे है वो रैली यहां से बढ़ रही है। रैली शिवसेना भवन पहुंची और उसके बाद मातोश्री के लिए रवाना हुई। शिंदे खेमे के खिलाफ शिव सैनिकों के गुस्से की तस्वीर देखिए। पुणे में बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिक सड़क पर उतर आए। उद्धव ठाकरे के समर्थन में पहले शिव सैनिकों ने बाइक रैली निकाली, इसके बाद जूते मारो आंदोलन शुरू किया। जूते मारो आंदोलन के तहत शिव सैनिकों ने बागियों के पोस्टरों पर जूते चप्पल बरसाए। ये तस्वीरें नागपुर की हैं। शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव समर्थक सड़कों पर उतर आए, हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। शिंदे का ये पुतला भी जलाया। देखे ये शिव सैनिक किस कदर आक्रोशित हैं और बागियों पर गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। और वही थाने में माननीय उद्धव साहब ने, इस पक्ष ने सबसे बड़ा पद मंत्री का ये थाने में दिया और ये थाने से ही इसी प्रकार की बंडखोरी की जो शुरुआत हुई, इस बात का सारे निष्ठावान शिवसैनिकों को बड़ा दुख है। मुंबई से सटे पालघर में एकनाथ शिंदे के विरोध में शिव सैनिक सड़क पर उतरे। शिंदे के खिलाफ नारे लगाते हुए कई कई किलोमीटर तक उद्धव समर्थकों ने मार्च किया। बड़ी तादाद में शिव सैनिक हाथों में झंडे लेकर सड़क पर उतरे। दरअसल पालघर के शिवसेना विधायक भी शिंदे के समर्थन में हैं और गुवाहाटी में मौजूद हैं, लिहाजा उद्धव समर्थक शिव सैनिकों का